प्रेम की सद्भाव की बरसात बढ़िया हो रही, जग के सारे ताप मल को बिना श्रम के धो रही। ज्योत जागी प्रेम की आत्मा न किंचित मंद है, जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। तिन्नाणम तारियाणम मुत्ताणम मोयगाणम। अरहंत वीतराग परमात्मा को वंदन नमन। बोही दयाणम निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीवनी काय का आभार। जय हो। हम सभी स्वयं को जानने की यात्रा पर निकले यात्री हैं, और ये यात्रा कोई एक दिन में ख़त्म हो जाए या कुछ घंटों में ख़त्म हो जाए या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई पूर्व निर्धारित यात्रा नहीं। ऐसा कोई GPS नहीं जिसमें आप अपना वो चरम लक्ष्य डाल दे और वो GPS आपको बता दे कि आप कितने घंटों में आप उस अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये यात्रा इतनी छोटी भी हो सकती है कि मात्र एक रात्रि में ही व्यक्ति मुक्त हो जाए, जैसे गत सुकुमाल हुए। और ये यात्रा ऐसी भी है कि जन्मों जन्म तक एक जीव नरक स्वर्ग तिर्यंच और मनुष्य में बार बार जन्म लेता भी रहे। कहा नहीं जा सकता कि किस योनि से वो अगली योनि में कब कैसे जाएगा और कितनी बार जाएगा। पुरुषार्थ तो मात्र इतना है कि हम इस एकात्म भाव को जीना सीखें, एगे आया भाव को जीना सीखें, प्रतिपल इस सृष्टि के प्रति आभारमय हो जाएं, नमो को जी लें। और एक बार ये नमो हमारे भीतर घटित हो गया तो फिर मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं। और ये नमो का भाव मात्र नमन करने तक सीमित नहीं है। नमो यानी एक बार हम समर्पित हो गए, हमारा मैंपना हट गया, हम विराट हो गए, इस सृष्टि के हर जीव से कहीं कोई पर भेद ना रहा, कोई पर होने का भाव ही ना रहा, चारों तरफ ये प्रेम की सद्भाव की मानो बरसात हो रही है। और ऐसे क्षणों में हम इस रहस्य को जान लें तो हमारे भीतर एक बार वो प्रेम की लौ लग गई, एक बार वो निःशर्त प्रेम की ज्योत जग गई, फिर आत्मा की ये जो रोशनी है वो कभी मंद नहीं होगी, वो अमंद ही रहेगी, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाएगी। अब उसे प्रकाशित होने के लिए किसी बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है। हम सब जीवन को इसी दृष्टि से जीना सीख रहे हैं, और मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि एक बार जो प्रेम का स्वाद चख लेता है ना, उस प्रेम में फिर सारे स्वाद सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जरा हम इस प्रेम को समझें। ये प्रेम कैसा है जिसमें कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई व्यापार नहीं, अच्छा मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बता तू कितना करता है। हम कहते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा थोड़ा सा क्लोज फ्रेंड है, ये वाला जो फ्रेंड है ये ऐसा है कि आधी रात को भी मेरे लिए खड़ा है, लेकिन वो फ्रेंड ऐसा है जो भले ही स्वयं आए ना आए लेकिन मेरा काम कर देगा। हम कहते भी तो हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी अगर हमारी किसी नीड में हमारा कोई दोस्त काम नहीं आया तो उस दोस्त के प्रति जो अभी तक हमारे भीतर एक अथाह प्रेम था वो एक सेकंड में तिरोहित, वो एक सेकंड में खत्म। अरे
ये दोस्त किस काम का, ये तो हमारे काम ही नहीं आया। अरे मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तू तो था ही नहीं। मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ उसकी हमें वापस एक अटेंडेंस चाहिए, एक फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, एक अटेंशन चाहिए। और एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रेम और दोस्ती और गुरु भक्ति और ये सारी चीज़ें सिर्फ तब तक है जब तक हमें अटेंशन मिलता रहे। अरे हम तो भगवान भी बदल लेते हैं, हम तो गुरु भी बदल लेते हैं। अरे हम बरसों से तेरे दर पर आ रहे हैं गुरुदेव, लेकिन मेरी तो आज तक कोई तुमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। अरे मेरा तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, मैं तो कोई दूसरा गुरु तलाशूंगा, वो मुझे मंत्र देगा, मैं रातों रात धनपति बन जाऊंगा। ये समर्पण है। अरे गुरु कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में जो कुछ बदलेगा वो स्वयं तुम्हारे अपने इस परसेप्शन से बदलेगा। तुम स्वयं को कितना बदल रहे हो, तुम्हारे पुरुषार्थ में, तुम्हारे एफर्ट्स में क्या चेंज आ रहा है, उससे तुम्हारा जीवन बदलेगा। लेकिन बड़ा आसान है ये ब्लेम गेम, है ना। मेरा जीवन इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ। मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मेरे तो कर्तव्य है, कर्तव्य मुझे बांधे हुए हैं। जबकि कर्तव्य कभी बांधते नहीं, कर्तव्य तो आपसे होते चले जाएं, आवश्यक दायित्व निपटान है, होते चले जाएं। लेकिन वो आपकी गति को या वो आपकी यात्रा को रोक पाएं तो हम समझ लें कि यात्रा को, हमारी उस गति को रोकने वाला हमारा अपना मैंपना है कि मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा। खैर अब तक जो कुछ हुआ वो सब पास्ट था, वो सब अतीत था, वो सब भूत था। हम भूत को याद ना करें, है ना। विराट गुरुदेव अपने एक भजन में कहते हैं, कभी सतगुरु की सेवा में आया नहीं, वो तो अब ही सही है अभी फायदा। अरे कोई बात नहीं, अब तक कभी नहीं किया लेकिन अभी समझ मिली ना, अभी से हम शुरुआत कर दे यात्रा की। अरे अभी हमको गाड़ी मिल गई ना, अभी बैठ जाएं, अभी चल पड़े। बस इतना आसान ही है। हम कोई वेट करेंगे कि नहीं पहले मैं ये सारे काम कर लूँ, फिर मैं अपना परसेप्शन बदलूँगा, मैं पहले अपना फला फला दायित्व निपटा लूँ, फिर मैं अपने आप को जानने की यात्रा पर निकलूँगा, ऐसा संभव नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कर्तव्य तो आप बाहरी स्तर पर निपटा रहे हैं लेकिन आपको झांकना अपने भीतर है, और वो समय हमारे पास प्रति पल होता है। ऐसा समय हमें निकालना पड़ेगा ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो प्रतिपल है। हम हर पल जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते हुए जागृत होते जाएं, वो करते हुए हम स्वयं को देखते चले जाएं। पर्युषण पर्व की ये साधना, इन 8 दिनों में हम जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और अंतिम दिवस संवत्सर का दिवस, एक ऐसा दिवस जिस दिन हम प्रतिपल गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहकर स्वयं को लोचते हैं, आलोचना करते हैं, यानी स्वयं को भली भांति देख पाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। अब वो प्रयास शब्दों के माध्यम से, शब्द तो मात्र एक माध्यम है, वो तो मात्र एक इंस्ट्रक्शन है कि हमें ऐसे ऐसे स्वयं को देखना है। जैसे हमें अगर किसी की बात को समझना है तो हम पुस्तक में जो भाषा हमारे अनुकूल है हम वो भाषा से उसे समझ लेते हैं, तो हमें समझ में आता है कि फला फला व्यक्ति का ये अनुभव था और इस तरह उसने इस तरह लिखा, हमने उसे पढ़ा और हम भी उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसी तरह आलोचना के ये पाठ, उसमें आपकी शारीरिक क्षमता या आप कितनी देर बैठते हैं या आपने भोजन छोड़ा है या पानी छोड़ा है या क्या किया है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आलोचना के उन पाठ को उच्चारित करते हुए उन लाइनों से हम अपने भीतर अपनी उन कमियों को, अपने उन अतिचारों को देख पाते हैं क्या।
हम उन अतिचारों की सीमा को कहाँ कहाँ लांघे, हमने कहाँ कहाँ अतिक्रमण किया, क्या हम अपने अतिक्रमणों को जान पाते हैं? और अगर एक बार हम अपने अतिक्रमणों को जान पाए, फिर प्रतिक्रमण करना बड़ा आसान हो जाता है। परेशानी तो ये है कि हमें अपने अतिक्रमण समझ आते ही नहीं, हमें सदैव आसपास के लोगों की भूलें दिखाई देती है। और कुछ नहीं तो हम एक नया मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं, लोग पर्चे छपवा लेते हैं। अभी किसी का प्रश्न था, महाराज साहब लोग संवत्सरी एक नहीं मनाते, हम कंफ्यूज होते हैं। अरे कोई कभी भी मनाए, संवत्सरी कोई सामूहिक साधना करने योग्य नहीं है। हाँ आयोजकों के लिए प्रॉब्लम है, कोई सामायिक दिवस मना रहा है, कोई कहेगा कि हमें तो एक क्षमा दिवस मनाना है, ये अलग अलग क्यों, सिर्फ 8 ही दिन हम क्यों त्याग करें, पूरे महीने क्यों नहीं कर सकते, इस जैन समाज का क्या होगा, इस जैन धर्म का भविष्य क्या है। हम भविष्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जैन एक दर्शन है, दर्शन जो हमें दृष्टि प्रदान कर रहा है। और महावीर प्रभु ने तो अनेकांत का सिद्धांत दिया, लेकिन आज हम उसी अनेकांत के सिद्धांत पर लड़ रहे हैं। हमें ये चिंता है कि भविष्य में हमारी पीढ़ी का क्या होगा। आप चाहे एक संवत्सर मनाएं, चाहे दो मनाएं, चाहे जितना मनाएं, रोज की घटना, रोज एक संवत्सर घटित हो सकता है, क्योंकि ये आत्मिक साधना है, ये आत्मिक साधना है। स्वयं को जानने के लिए, स्वयं द्वारा किए गए अतिक्रमणों का ज्ञान करने के लिए क्या हमें कोई दिन, कोई मुहूर्त की आवश्यकता है? हाँ इन दिनों में प्रकृति में खगोलीय कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें अपनी इस यात्रा में गतिशील करने में सहायक होती है, लेकिन हम उस बात पर भी बैठकर लड़ने लग जाएं, हम ये सोचें कि ये रास्ता सही, अच्छा जो भी आता है, मजे की बात ये कि जो कोई भी आता है वो ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और बाकी जो कह रहे हैं वो सब गलत है। हम सामायिक दिवस को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ज़रा पूछे क्या हम वाकई सम्यक्त्वी हो पा रहे हैं? हमें लगता है कि हम आज एक क्षमा दिवस का आयोजन करें जहाँ सारे संप्रदाय एक पाटे पर आकर बैठे, उससे क्या हुआ? हम तो उन पर भी लांछन लगा रहे हैं कि आप सब एक क्यों नहीं होते हो, बड़े समझदार लोग हैं, वो तो कह देते कि आप देखो आपके अलग अलग संप्रदायों की ड्रेसेस अलग अलग है, हम सावकों की तो ड्रेसेस एक है, यानी आप लोग गलत हो हम सही हैं। तो कोई बात नहीं ना, आप सही हो तो आप अपने भीतर उस क्षमा को घटित कर लो। उस क्षमा के बाद भी आपने क्षमा दिवस एक मना लिया, संवत्सरी एक मना ली, उसके बाद भी क्या शिकायतें बंद हो गई, क्या अपेक्षाएं बंद हो गई? हमें परिवर्तन सामाजिक स्तर पर चाहिए, अपने भीतर के परिवर्तन की हमें चिंता ही नहीं। लेकिन इस बार जरा सा मामला उलट कर देखें ना, हम स्वयं चेंज हो जाएं, हमारे भीतर स्वयं वो प्रेम और सद्भाव की बारिश हो जाए, फिर देखिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसकी भी शिकायतें खत्म हो जाएगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमने अपने शोरूम में क्या लगा रखा है, उसी को खरीदने तो ग्राहक आएंगे। हमारे खुद के चेहरे पर, हमारे खुद के भीतर शिकायतों का, कुंठाओं का, फ्रस्ट्रेशंस का, चिंताओं का, स्ट्रेस का भंडार है, होलसेल में भंडार है, तो हमारे पास कस्टमर्स भी वही आएंगे। अरे आप तो मस्त हो जाइए, उन शिकायतों को छोड़िए और फिर देखिए ना, फिर देखिए सभी एक है। विराट गुरुदेव इस गीत में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं भूल हो कोई कि मुझको कुछ सता पाती नहीं, ठीक है सब आस्था संज्ञा से जो जाती नहीं, हर शिकायत क्षमा के कारागृह में बंद है, जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है,
झुक रहा है कर्ज सारा, हो रहा आनंद है जिंदगी बस और क्या, एक मुस्कुराता छंद है। कोई बात नहीं, किसी की भी भूल हो, कोई बात नहीं, किसी का कोई ब्लेम हो, कोई बात नहीं, किसी की कोई गलती हो, लेकिन मुझे वो नहीं सता पाएगी, मुझे वो प्रभावित नहीं कर पाएगी। और सब कुछ ठीक है भाई, तुम ये ऐसा कह रहे हो, ओके। तुम्हें लगता है कि संवत्सरी इस दिन होनी चाहिए, ओके। तुम्हारी खमत खामड़ा इस दिन है, ओके। सब ठीक है, ये आस्था हमारी संज्ञा में हो जाए और जहां कहीं कोई भी शिकायत आए, क्षमा के कारागृह में बंद, उसे जेल में डाल दो। किसकी जेल में? क्षमा की जेल में। कितनी प्यारी है ये कारागृह, है ना? सारी शिकायतें उसमें कैद, डाल दीजिए उसको अंदर। और जब क्षमा ही हो गई तो फिर शेष क्या रहेगा? इस बार जरा इन विषयों के बारे में सोचें। हम अनावश्यक रूप से प्रश्न खड़े करते हैं, ऐसे प्रश्न जिसका जवाब मिल भी जाए, जिसका हल निकाल भी लिया जाए, तब भी हमारे जीवन में उससे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तित होगा, सिवाय इस एक चीज के कि उससे हमारा अहम पोषित हो जाएगा, हमारा अहम तुष्ट हो जाएगा। तो क्या ये सारा कुछ हम अपने अहम के पोषण के लिए कर रहे हैं, मैं सही हूं इस काम के लिए कर रहे हैं? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर वहां पर नमो की साधना कैसे संभव होगी, वहां पर विनय की साधना कैसे संभव होगी? और जब विनय ही नहीं तो धर्म कैसे घटित होगा? ये सारे प्रश्न विचारणीय है। आज संवत्सरी की साधना करते हुए हम जरा इन सारे अनावश्यक प्रश्नों के बोझ से स्वयं को मुक्त करें। आज इन सारे अनावश्यक मुद्दों को अपने भीतर से हटाएं और स्वयं के साथ एक संकल्प करते हुए आगे बढ़ें। जहां जहां जिस जिस के प्रति मेरे मन में, मेरी संज्ञा में अस्वीकार है, मैं उन सभी को स्वीकार करता हूँ। खम्मत खामना का ये भाव मैं अपने भीतर विकसित करता हूँ। मेरे जो भी ऐसे मिथ्या कर्म हैं जिनका मैं नहीं चाहता कि आगे कोई आकारित हो, मैं उन सारे अनावश्यक कृत्यों को अपने भीतर से हटाता हूँ, उन सबका वो शरण करता हूँ। और तब हमारे भीतर ये खमत खामना का भाव पूरी तरह से सांस ले सकेगा। आप सभी को हमारी ओर से खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। हम सभी अपने जीवन के चरम लक्ष्य को उपलब्ध हो, यही सद्भावना। ओम शांति।